हेलो, कुदरत की कारीगरी तो लाजवाब होती ही है, ये मेरा पूरा यकीन हो गया स्नेक प्लांट के फ्लावर्स की खूबसूरती को देखकर। इससे पहले के वीडियो में मैंने अपडेट किया था कि जब स्नेक प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है या रूट बाउंड हो जाता है तो उसमें एक फ्लावर स्टॉक दिखाई देती है, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये फ्लावर स्टॉक जो है ये छोटे छोटे फ्लोरेट्स का संग्रह है और ये जो फ्लोरेट्स हैं ये फर्दर और ब्लूम करेंगे। फर्स्ट टाइम फ्लावर स्टॉक दिखने के आलमोस्ट 10-15 दिन के बाद, आलमोस्ट 2 हफ्ते बाद यानी 14 डेज़ के बाद में ये फ्लावर स्टॉक दिखाई दिया। अचानक से हमारे गार्डन में बहुत खुशबू आ रही थी तो हम नोटिस नहीं कर पाए कि खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन जब लाइट्स ऑफ की और इन ऑफ वाइट कलर के ब्राइट चमकते हुए फ्लावर्स पे नज़र गई तब पता लगा कि खुशबू तो यहाँ से आ रही है। इन फ्लोरेट्स के खिलने पर ये खुशबू इतनी स्ट्रांग थी कि आधा गार्डन महक रहा था, हमारे घर का पूरा बरामदा महक रहा था और ये इतनी स्वीट स्ट्रांग अच्छी खुशबू थी कि बार बार सूंघने का मन कर रहा था। ये जो खुशबू थी ये सिर्फ रात को ही आती है और जिस दिन फर्स्ट डे फ्लावर्स खिले उसी दिन ये खुशबू सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी। मैंने पूरी रात इन फ्लावर्स को सभी एंगल से कैप्चर किया है और मैंने तो अपनी आंखों से इन फ्लावर्स की खूबसूरती को देखा है। ये ट्यूबुलर फ्लावर्स होते हैं, इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ऑफ वाइट कलर के शाइनी फ्लावर्स होते हैं ये और इनका ऑर्डर नीचे से ऊपर की तरफ होता है। सबसे पहले दिन नीचे के कुछ फ्लावर्स खिले, ये फ्लावर्स भी एक साथ नहीं खिलते, इनमें से कुछ फ्लावर्स तो फ्लोरेट्स पूरे बंद थे और कुछ फ्लावर्स खिले। ये जो फ्लावर्स हैं जब खिलते हैं तभी इनकी स्ट्रांग खुशबू होती है, सिर्फ रात को ही ये फ्लावर्स खिलते हैं। और ये देखिए एकदम ट्यूबुलर ऑफ वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और ऊपर के सारे फ्लोरेट्स बंद हैं। इनकी खूबसूरती तो आप देखिए, मैं जितना कैप्चर कर पाई कैमरे में उतना मैंने इस वीडियो में सारा कलेक्ट किया है, जितनी क्लैरिटी के साथ स्नैप्स ले सकती थी। ये सेकेंड डे के स्टॉक हैं जब कुछ फ्लावर्स खिले और कुछ नहीं खिले। ये डे टाइम का वीडियो है, देखिए सारे के सारे फ्लावर्स डे टाइम में बंद हैं और कुछ फ्लावर्स तो खुल के बंद हुए हैं, वो साफ दिखाई दे रहे हैं। और इस नीचे में देखिए कुछ फ्लावर्स साफ दिखाई दे रहे हैं जो अभी तक तो ब्लूम ही नहीं हुए थे, और ऊपर के फ्लावर्स तो देखिए आलमोस्ट सारे बंद हैं। ये इन फ्लावर्स का क्रम नीचे से ऊपर की ओर होता है, धीरे धीरे करके ये फ्लावर खिलते खिलते ऊपर तक पहुँचते हैं। ये देखिए डे टाइम में सारे फ्लावर्स बंद हैं, लेकिन इनका जो नेक्टर होता है वो मीठा होता है, स्वीट नेचर का होता है, इसलिए इस फ्लावर स्टॉक पे आलमोस्ट पूरे टाइम एंट्स भी दिखाई देती थी जो इसका नेक्टर खाती रहती हैं। ये देखिए डे टाइम में फ्लावर्स पूरी तरह से बंद हो गए हैं। ये जो खुल के बंद हुए हैं इनमें डे टाइम में हल्की हल्की स्मेल तो होती ही है, हल्की स्मेल आप फील कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्मेल तो नाइट के टाइम जब फ्लावर्स पूरे खिलते हैं तभी दिखाई देती है। ये देखिए ये जो फ्लावर स्टॉक है ये 2.5 से 3 फीट लंबा होता है और हर स्नेक प्लांट की वैरायटी के अनुसार फ्लावर्स डिफरेंट होते हैं। ये देखिए धीरे धीरे जो फ्लावर स्पाइक था खिलते खिलते ऊपर तक पहुंच गया, टाइम के साथ इसके धीरे धीरे फ्लावर्स, ये सब 10-15 दिन का वीडियो है, 10-15 दिन के होते होते ये सारे फ्लावर्स देखिए अपने आप झड़ गए हैं और इनमें लास्ट में एक सीड पॉड बच जाता है। देखिए सारे फ्लावर्स झड़ गए हैं, ये आलमोस्ट 10-15 दिन के बाद का वीडियो है और देखिए आप इस स्टॉक पे सिर्फ और सिर्फ सीड पॉड देख सकते हैं। टाइम के साथ मैंने डेली डेली इस स्नेक प्लांट की प्रोग्रेस को रिकॉर्ड किया, नोटिस किया, ताकि मैं फुल्ली एक वीडियो भी बना पाऊँ और मेरे खुद के नॉलेज के लिए भी ये एक न्यू चीज़ थी, इसलिए मेरा इस पौधे में पूरा इंटरेस्ट बना हुआ था। मैंने इस पूरे पौधे की अपडेट पूरी नोटिस करी है। ये जो ग्रीन पॉड्स हैं ये
धीरे धीरे टाइम के अनुसार अपने आप नीचे झड़ गई, और एक दिन मैंने देखा कि ये जो स्टॉक है ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और इसके सीड्स जो हैं वो नीचे गिरे हुए हैं। ये जो सीड्स थे ये भी इतने सुंदर लग रहे थे, और ड्राई होने पर थोड़े थोड़े ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं। ये सीड पॉड फर्दर मेरे पास ये सीड्स पड़े हुए हैं कि ये स्नेक प्लांट पूरी तरह से रूट बाउंड हो रखा था, तो मैंने इसे प्लास्टिक पॉट में से बहुत मुश्किल से निकाला, और ये देखिए ऑलमोस्ट 10-15 एक्स्ट्रा प्लांट्स निकले, जिन्हें मैनेज करने के लिए मैंने गार्डन का ये कॉर्नर चुना। इस कॉर्नर में मैंने डायरेक्टली ज़मीन में ही ये 10-15 स्नेक प्लांट्स की जो एक्स्ट्रा आउटकमिंग्स थी ये यहाँ पे मैंने इस तरह से एक रो में लगा दी। यहाँ पे मेरे ड्वार्फ वैरायटी के स्नेक प्लांट ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे एक ग्रीन बेल्ट टाइप हो गया है। ये ड्वार्फ वैरायटी भी मैंने इसी सीज़न यहाँ पे लगाई थी, और ये देखिए लगने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं, और कोई कह ही नहीं सकता कि ये हमने उस एक पॉट में से पौधे इतने सारे निकाले हैं। इस पॉट को भी वापस हमने इसी प्लास्टिक पॉट में रिपॉटिंग कर दिए, और देखिए बिल्कुल भी ये कहीं से भी खाली खाली नहीं लग रहा है, पूरा पहले की तरह ही भरा हुआ पॉट लग रहा है, और दोनों जगह रिपॉटिंग और प्लांट्स की फर्दर अब इससे ग्रोथ करने के लिए पॉट में और जगह मिल जाएगी। चैनल पे आने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने ओपिनियन कमेंट के थ्रू बताइएगा। थैंक यू।